मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 4 नवंबर को रतलाम में आयोजित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को अधिक से अधिक सफल बनाएं, यह बात केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने सज्जन प्रभा में आयोजित प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बैठक में संभाग प्रभारी जीतू जिराती, सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद गुमान सिंह डामोर, संभाग प्रवास प्रभारी जीतू भाई बागानी, वरिष्ठ नेता बंशीलाल गुर्जर मंचासीन रहे। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बैठक में प्रधानमंत्री की सभा के लिए की जाने वाली विभिन्न तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज कर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता इसी जोश और उत्साह के साथ कार्य करते रहें और प्रधानमंत्री जी की सभा को अधिक से अधिक सफल बनाएं। रतलाम से ईएमएस टीवी के लिए दीपक चारोड़िया की रिपोर्ट। और मुझे प्रसन्नता है कि आपके क्षेत्र में जो अभी विधायक हैं और रतलाम के भावी विधायक हैं, निश्चित रूप से बहुत ही योजक और कल्पज्ञ हैं। चेतन कश्यप जी मूल रूप से व्यापार से जुड़े होने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन व्यापार से जुड़े होने के बाद भी, व्यापारिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी जन सेवा और संवेदनशीलता, ये उनके मन में जितनी कूट कूट के भरी है, यह निश्चित रूप से व्यक्ति को आश्चर्य में डालने वाली है। और इसलिए जब पार्टी ने उन्हें रतलाम में चुनाव लड़ने के लिए भेजा तो आप सबने देखा कि विकास के नए नए आयाम गढ़कर उन्होंने रतलाम की सेवा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसलिए मैं चेतन कश्यप जी की हृदय से प्रशंसा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे त्रिदेव यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य पार करने में आप सब लोग जरूर सफल होंगे।